इनके लब रंगी मिठावर के जिसने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को प्रोवाइड करा, जिसके थ्रू हम लोग अपने तमाम जो डाउट्स हैं, इश्काल हैं और तमाम सवाल ऐसे हैं जो हमारे जहन में आते हैं लेकिन उनके हम लोग को मुदल्लल मुफस्सल जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो आपने ये चैनल बनाकर हम लोग की जो रहनुमाई फरमाई है, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े तुफैल आपको कसीर तादाद में जज़ाए खैर से नवाजे। और उम्मीद यही करता हूँ, दुआ यही अल्लाह से कि आप इसी तरह से अपने काम को सर अंजाम देते रहें और हम लोगों के तमाम सवाल और इश्काल के जवाब भी हम लोग को देते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल, अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। मेरा सवाल जिन्नात के ताल्लुक़ से है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिन्नात में भी औलिया होते हैं? और अगर जिन्नात में औलिया होते हैं तो क्या अगर कोई ज़िंदा औलिया है जिन्नातों में तो क्या हम उससे जाकर कुछ पूछ सकते हैं या उसकी बात पर हम भरोसा कर सकते हैं? तीसरा सवाल मेरा ये है, क्या जिन्नात में अगर कोई अपने आप को अल्लाह का वली होने का दावा करे तो हम उसकी तस्दीक कैसे करें? और चौथा सवाल मेरा ये है कि जिन्नात ये रहते किस जगह पे हैं और इनकी जो रिहाइश होती है तो वहाँ पर इंसान का दखल अगर होता है तो ये किसी तरह से मतलब परेशान करने लगते हैं लोगों को भगाने के लिए वहाँ से। तो इसके ताल्लुक से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नई जगह इंसान ख़रीदे अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो किस तरह से वो उस जगह में कंफर्म कर ले कि यहाँ कोई जिन्नात मखलूक नहीं रहती है, गैर मरई मखलूक, जिससे आगे चल के उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और भी सवाल हैं हज़रत, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑडियो में आपसे ज़रूर पूछूंगा। और दुआओं में याद रखें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। काबा किधर है शुक्र का सजदा अदा करूं, अल्लाह आप आए हैं मेरे मकान में। राहिल खान ऑन हक साहब का मसाले शरीयत चैनल पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। आपने जो दुआओं से नवाजा और आपके जो इजहार ख्याल हैं आपने किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आपके जो सवाल हैं जिन्नात के ताल्लुक से, आप मसाले शरीयत जिल्द नंबर 1 का सवाल नंबर 611 एक मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसमें कुछ मुख्तसर आपको बातें जिन्नात के ताल्लुक से जो है वो मिल जाएंगी तहरीरी। और मुदल्लल जवाबात के लिए भी आप एक मरतबा मसाले शरीयत की जिल्द 1 और जिल्द 2 पढ़ें, खुसूसन ये दोनों जिल्दें, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म दीन में बेपनाह का इजाफा होगा और आपको बहुत सारे मसाइल जो है वो जानने के लिए मिलेंगे। इसमें रद्द वहाबियत के ताल्लुक से भी बहुत सारी बातें हैं। आपने सवाल पूछा कि जिन्नात के अंदर भी कोई वली होते हैं या नहीं होते, तो बिल्कुल होते हैं, जिन्नातों के अंदर भी अल्लाह वाले जिन्नात मुसलमान जिन्नात होते हैं और वली उसी को कहा जाता है यानी नेक मोमिन सालेह बाशरा को। तो जिन्नातों के अंदर भी नमाजी परहेजगार अल्लाह वाले और जो हैं वो वली होते हैं। दूसरा ये कि इनसे कुछ बातें पूछ सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, तो अगर ये बातें मुस्तकबिल की नहीं हैं यानी गैब की खबरें नहीं हैं तो फिर इनकी बातों पे एतमाद किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। और अगर गैब की खबरें हैं तो पहली बात तो अल्लाह वाले अगर जिन्नात हैं तो फिर वो आपको गैब की खबरें नहीं बताएंगे, मगर ये कि वो नेक परहेजगार होते हैं ऐसा तो बिल्कुल है, लेकिन उनसे गैब की खबरें नहीं पूछी जा सकती। अब अगर गैब की नहीं पूछी जा सकती तो क्या पूछा जा सकता है? मिसाल के तौर पर आप उनसे कोई, उन्होंने आपको कोई पढ़ने के लिए कोई वजीफ़ा बताया या कोई दुआ बताई या उन्होंने कहा कि ये इसमें आज़म है आपके लिए, आप इसको पढ़ा करें, तो ये सब चीज़ें या आपकी कोई शरीयत में गलती थी उन्होंने उसको बताया कि आपने ये काम गलत करा या नमाज में आपने ये गलती कर दी, तो इस तरीके की बातें अगर आपको जिन्नात के ज़रिए से भी मालूम हो जाएँ और वो बाशरा भी हो तो ऐसी सूरत में उस पर एतमाद जो है वो बात पे किया जा सकता है। हाँ, अगर गैब की खबरें हैं तो एतमाद नहीं है और गैब की खबरें जो नेक जिन्नात होंगे वो आपको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि कुरान ने इसका इनकार किया है।
अगला सवाल आप ये था कि अगर वो वली है तो इसकी तस्दीक कैसे की जाए। देखें, ये तो फिर बहुत यानी मुश्किल सवाल है। इसकी तस्दीक का कोई एक पैमाना नहीं है। इसकी तस्दीक एक सामने वाला भी अगर उस पोजीशन और हैसियत पर और विलायत पर है तो वो फिर पहचान सकता है कि ये जिन्नात है और ये जिन्नातों में वली है या जिन्नातों के अंदर ये नेक जिन है या बद जिन है। तो ये यानी ख़ुद की रूहानियत ऐसी होनी चाहिए कि वो जिन्नात के बद होने का और नेक होने का जो है वो पता कर सके। बाकी जिन्नातों में नेक होते हैं। अगर वो ऐसा है कि वो जिन्नात किसी की शक्ल में आते हैं, आपको दीनी तालीम देते हैं, रहनुमाई करते हैं, आपकी शरीयत के अंदर जो है वो इस्लाह करते हैं और आप उनकी बताई हुई सारी बातें दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हैं मुताबिक, तो फिर उनकी बात को जो है वो माना भी जा सकता है, तस्दीक की जा सकती है, फिर उसने जन उनके नेक होने में रखा जा सकता है। वली से मुराद करामत हमेशा नहीं होती, बस ये कि अगर शरीयत की पाबंदी है तो ठीक है। फिर भी अगर वो अगर कोई ऐसे आपको दिखा दें चीज़ कि हाँ जिसमें आप समझ सकें कि वली है और उनसे कोई खिलाफ शरीयत अकीदा या कोई बात ना पाई जाए तो फिर उनकी बात पे एतमाद किया जा सकता है। और तस्दीक तो फिर ये सामने वाला वली हो तो वो तस्दीक कर सकता है, वरना इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि जिससे तस्दीक हो जाए। अगला सवाल आपका ये था कि ये रहते कहाँ हैं। तो जिन्नातों के रहने के बहुत सारे ठिकाने होते हैं, अक्सर ये है सुनसान मकान जहाँ कोई नहीं बसता, और ये अक्सर जो है इंसानों की आबादी से दूर ही रहना पसंद करते हैं, यानी इंसानों से दूर पसंद करते हैं क्योंकि ये भी इंसानों से जो है वो डरते हैं। तो इस तरीके से ये जंगलों में, अंधेरों में, वीरान जगह पर ज़्यादा पनपते हैं। और आपने ऑडियो में जो जंगहा बोला, शायद नून गुन्ने के साथ, ये जगहा है, यानी लोगों में बोलने की आदत होती है जंगहा, इसमें नून नहीं होता, जगह। तो लोकेशन यानी, तो अब ये कि जो बुरे होते हैं वो तो अक्सर नजासत की जगह पर रहते हैं, जैसे कि बैतुल खला में रहते हैं, कूड़े के ढेर में रहते हैं और जो है वो गंदगी के ढेर में रहते हैं। लेकिन इसमें ख्याल रखना चाहिए, इस चीज़ को सुनकर या पढ़ करके जिन्नात बैतुल खला में रहते हैं, टॉयलेट में रहते हैं, तो बाज़ लोग इससे थोड़ा घबरा जाते हैं कि वो हो सकता है हमारे घर की टॉयलेट में भी। तो ऐसा नहीं है, टॉयलेट बैतुल खला ये नजासत वाले का जहाँ हुक्म होता है वहाँ अक्सर ऐसी जगह होती है कि जैसे ऐसी बस्तियों में कि जो कुफ्फारों की हो, या फिर जहाँ पर अजान ना होती हो, क्योंकि अजान की फजीलत भी है कि जहाँ अजान होती है तो वहाँ से ये बुरी जो जिन्नात होते हैं, शैतीन होते हैं, ये भाग जाते हैं। तो जहाँ पर मुसलमानों की बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद होती है तो वहाँ पाँचों टाइम की अजान होती है, तो फिर ऐसे में डर खौफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग कभी सुनकर ये गुमान करने लगे, जहन में जो है ना डर बैठ जाता है, फिर रात में जो है ना टॉयलेट जाते हुए भी इस चीज़ का जहन में शैतान वसवसे डालता है कि शायद जिन्नातों को, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। बाकी रहते नजासत की जगह पर है, और जो ठीक होते हैं वो नजासत की जगह पर नहीं होते, लेकिन पब्लिक की आबादी से दूर रहना पसंद करते हैं। और ये कहीं भी हो सकते हैं, आपके इलाके में भी हो सकते हैं, आपके इलाके के दरख्त पर भी हो सकते हैं, छतों पर भी होते हैं। और जिन्नात जो है वो मुसलमानों के घरों पर, छतों पर भी रहते हैं। जब मुसलमान खाना खाता है, फिर जो गोश्त की हड्डी होती है बिस्मिल्लाह करके दस्तरखान पे से रखता है, वही जिन्नात उसको खाते हैं। तो जिन्नात की जो ग़िज़ा होती है वो हड्डी होती है और गोबर होता है, और ये दोनों चीज़ें जब तक इनके हाथ में नहीं आती जब तक ही हड्डी गोबर होती है, लेकिन जैसे ही ये जिन्नातों के पास आती है ये वापस अपनी उसी हैसियत पे आ जाती होगी या अच्छी हैसियत पे आ जाती होगी। क्योंकि इसका मसला इस तरह समझे कि जैसे ज़कात का, कि जब आदमी ज़कात अदा करता है तो जिसके पास से गई उसके लिए ज़कात थी, लेकिन जिसके हाथ में आई उसके लिए अब ये मुबाह हो गई, अब ये ज़कात नहीं, तो वो उसको खा सकता है। तो वैसे ही जब आपने हड्डी को चूस कर रखा तो आपके लिए हड्डी थी, लेकिन जब जिन्नात खाएगा तो वापस अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत से उस पर गोश्त वगैरह आ जाएगा, तो उनकी वो ग़िज़ा बन जाएगी। तो जिन्नात जो है वो मुसलमानों की छतों पर भी रहते हैं और परेशान जो है वो हर किसी को वो अक्सर नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि जिन्नात जो हैं वो हर किसी को बेवजह और सारे जिन्नात परेशान करें, ये गलत ख्याल है। बाकी जगह मैंने बता दी कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ, इनमें कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे इंसानों में होते हैं, जिसे आम जुबान में कहते हैं कि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने वाली बात, तो ऐसे भी इसके अंदर रहते हैं सन की दिमाग के, कि ज़बरदस्ती किसी को परेशान करना या किसी को यानी
उसके हवास को काबू कर लेना, जिसको हाजिरी कहते हैं कि उस पर आ जाना, या किसी को तफरी के तौर पे भी ये डराते हैं, मतलब खाली पीली का सामान इधर से उधर फेंकना, कुर्सियाँ इधर से उधर हिलाना कि बंदा हो तो वो डर जाए या अचानक ये सब हो, तो ये सब खेल कूद भी लोग करते हैं, तफरी भी करते हैं, जैसे इंसानों के अंदर मजाक मस्खरी होती है इनमें भी होती है, तो अगर ये करना चाहे तो इस तरीके से तफरी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उमूमन ये नहीं करते, क्योंकि अजानें वगैरह चारों तरफ होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है मुसलमान के ज़ुबान पर, दुरूद पाक होता है, तो इस तरह से ये बुरे जिन्नों से महफूज होते हैं मुसलमान, और अच्छे जिन्नात ये सब हरकतें नहीं करते, यानी परेशान करने वाली बात। हाँ, अब ये कहा कि आपने कोई नई जगह खरीदे तो उसको कैसे कन्फर्म हो कि जिन्नात यहाँ से निकल जाए, इसको आइंदा ऐसी परेशानी ना हो, तो ऐसा ना रेयर चांस होता है कि कोई बंदा ऐसी जगह खरीद लो और वहाँ जिन्नातों को बसेरा हो, बहुत कम चांस होता है। अगर कहीं ऐसी जगह है कि बंदा कन्फर्म करना चाहता है तो वहाँ पर जो है वो अल्लाह तबारक व ताला का कलाम पढ़वा ले, मकान ख़रीदने के बाद चारों कोनों के अंदर अजान दिलवा ले और मिलाद वगैरह की महफिल करवा ले और दुरूद पाक की कसरत करा ले। इसके अलावा यासीन शरीफ वगैरह कराना चाहे तो कोई भी जिक्र वगैरह जिक्र खैर करा सकता है। तो अगर घर के अंदर अजान भी दिलवा दी जाएगी तो भी इससे इंशाअल्लाह ताला हिफाजत होगी, और बाकी जब इंसान बसेंगे वहाँ पर तो फिर ऐसा नहीं है, वो खुद वहाँ से जगह को तब्दील कर देंगे, कोई हर जिन्नात में भी ऐसा कोई सनकी नहीं है कि मतलब आपने वो जगह जो ख़रीद ली कि वो आपकी जगह छोड़े ना। हाँ, बहुत कम चांस ऐसा होता है, यानी हज़ार लाखों में एक चांस ऐसा होता है कि वहाँ पहले से बसे हुए हैं और उन्होंने कोई ऐसी तदबीर वहाँ पे नहीं करी उनको निकालने की और वो वहाँ बस गए, तो वो परेशान करें ऐसा हो सकता है। परेशान करने की सूरत ये हो सकती है कि आपके पैसे वगैरह ले लें, सामान वगैरह इधर से उधर कर दें, बहुत सारी सामान चीज़ें आपकी गायब कर दें, तो इससे में फिर बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है, कन्फ्यूज होता है, तो ऐसे में अजान वगैरह दिलवा ली जाए। ज़्यादा हो तो कोई तावीज़ वगैरह भी घर में, जिसको तावीज़ वगैरह टांग सकते हैं या मकान को किलवा सकते हैं, या कोई पानी वगैरह पड़वा कर या सूरज जिन्नात वगैरह पड़वा सकते हैं वहाँ पे कुछ दिन तक, जैसे 20 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 40 दिन, तो इस तरह के मामलात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो महफूज रहेंगे। बाकी ये कि ऐसे मामले बहुत कम आते हैं, इस चीज़ से बेफिक्र रहना चाहिए कि जहाँ मकान लेंगे वहाँ हो। हाँ, अक्सर ये कि ऐसी जगह आप किसी ने मकान ले लिया कि वो घना जंगल था और वहाँ कोई दूर से दूर तक ना इंसान ना कोई बस्ती, और ऐसी जगह कोई इंसान मकान ले ले तो एक चांस 1% है, वो भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, मगर वहाँ पे मकान लेता भी कौन है ये भी है। तो अक्सर जो मकान खरीदे बेचे जाते हैं वो ऐसी लोकेशन में होते हैं इंसानों की आबादी में, और ये इंसानों की आबादी से थोड़ा दूर रहना भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये कि जो और जो इंसानों की आबादी में रहते भी हैं तो वो सब परेशान करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ये अपने काम से काम रखते हैं, आप अपने काम से मतलब रखें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये कि वली होने की तस्दीक तो फिर सामने वाला वली कर सकता है। पत्थर में हसन